अब सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में अगर हम गर्व से ना कहें तो क्या चीज़ से कहें? अगर हम हिंदू हैं तो यहाँ तो 5000 साल से हिंदू रह रहे हैं, दूसरी सिविलाइजेशन देखने नहीं मिलेंगे आपको अगर आप देखेंगे तो फिर गर्व की तो बात है। और मैं तो मानता हूँ यहाँ का हर व्यक्ति जो रहता है, ठीक है बहुत सी आक्रमणताएँ आई, बहुत सारे लोगों को परिवर्तन खोना पड़ा, पर हर एक आदमी व्यक्तिगत तौर पर अगर समझा जाए तो मूलतः वो हिंदू ही है और हिंदू बोलने में गर्व होना चाहिए। हमें ऐसी सरकारों के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहना है क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पे हमारा यश है, हमारा विजय है कि हम ऐसी सरकार चुन के ला रहे हैं जो हमारा भला चाहती है, हमारा विकास चाहती है। नमस्ते, मेरा नाम हिमानी भट्ट है, आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो है सह प्रसिद्धि प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के मिस्टर शक्ति ठाकुर। शक्ति ठाकुर BJP के सह प्रसिद्धि प्रमुख हैं और नागपुर में ये सर्व करते हैं। सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर अभी अगर हम आपकी पार्टी की बात करें, देश में इन दिनों इतने दंगे हो रहे हैं, इतने फसाद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इन सबके पीछे है, क्या आपको क्या लगता है जब आप अपनी पार्टी पर ऐसे आरोप सुनते हैं? ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी जो है वो पूरी शांतिप्रिय तरीके से ही, आपने भी देखा होगा कि पूरे शांतिप्रिय तरीके से पिछले 8 साल बीते, परंतु जो हमारा मूल विषय है कि जो अराजक ताकतें हैं, जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं और जो हमेशा से उनका ये कयास रहा, उनके ये प्रयत्न रहा कि भारत में अस्थिरता बनाई जाए ताकि उनके कुछ पर्सनल गेन्स हो या उनके पार्टी के कुछ या उनके ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ गेन्स हो, तो वो लोग ये प्रयत्न निरंतर करते आए हैं और उसको पूरी ताकत से उसका जवाब अगर ना दिया जाए तो ये हमेशा ही पनपते रहेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ समय में किया है कि जिस ऐसी ताकत जो असामाजिक विचारधारा से और ऐसे कुछ उपद्रवी संस्थाएं जो किसी भी कारण से नया नया रूप देके देश को, प्रदेश को, जो भी अलग अलग हमारे हिंदू समाज को क्यों ना हो ये अस्थिर करने का काम करते हैं, उनको जिस तरीके से उनको समझाया जा सके संविधान के अंदर रहते हुए, पर ताकतवर और पुरजोर तरीके से उनका जवाब देना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इस चीज़ में अपने आप को साबित किया है। पार्टी पे हमेशा पक्षपात का आरोप लगता है कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को सपोर्ट करती है, वो हिंदू हो या फिर कोई भी ऐसे सनातन, माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदूवादी और राष्ट्रवादी बात करती है, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो कहते हैं हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, जबकि हालांकि जब ज़मीनी स्तर पर बात हो तो सारी स्कीम्स, सारी के सारी चीज़ें वो इक्वली बांटी जाती हैं। अगर राशन है तो वो हर जनता के लिए, अगर स्कीम है तो हर जनता के लिए, तो आपको क्या लगता है वो एक सोच कहाँ से पनपती है जहाँ पर ये पक्षपात की राजनीति लगाई जाता है? देखिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद और यशस्वी तरीके से अपना कार्यकाल निभाने के बाद लोगों के लिए जिस उद्देश्य से ये लोग चुन के आए हैं, उस उद्देश्य को सार्थक अगर हम करते हैं तो किसी के पास कोई एजेंडा ही नहीं बचता कि वो कौन से एजेंडे के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी का घेराव करे। इकलौती भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के बलबूते पे 8 साल से एक पैसे का ना करप्शन है और सिर्फ विकास की राजनीति लेके चल रही है और पूरा विपक्ष एकजुट होके भी उसको एक कोई एक विषय आज तक आठ नौ साल आप भी देख रहे हैं, इतने चैनल्स रोज दिखाते हैं, कोई एक विषय ऐसा नहीं जो उनके हाथ लगाओ जिस पर भारतीय जनता पार्टी को वो कम दिखा सके या उसको घेर सके। अब जब कुछ है ही नहीं तो कुछ ऐसी बात ही करते रहे जिसका ज़बरदस्ती थोड़ा सा मसाला हो और कुछ बाइट्स मीडिया हाउसेस को मिले और वो सो चलाएं। पर मुझे लगता है जनता समझदार हो गई है, उन्हें पता है कि विकास की राजनीति जो कर सकता है और जो मन से वंशवाद की राजनीति ना करे, पूरी तरीके से जो हम लोग चाहते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस डेमोक्रेसी का पालन करते हुए जो पार्टी पूरे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे लगता है ये सब कयास तो उनकी मजबूरी के कारण वो देते हैं और वो मजबूर है बेचारे और करेंगे भी क्या। आप नागपुर में आप प्रमुख हैं तो वहाँ पर आप जब देखते हैं कि जनता से जब आप बात करते हैं, उनके बीच उतरते होंगे, तो आपको क्या बदलाव दिखे पहले और अब के वहाँ पर? बदलाव तो आप खुद भी देख रहे होंगे कि आप देख रहे हैं हर जगह पे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हो, चाहे वो मेडिकल हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, और सबसे बड़ी बात जो किसान, जो गोर गरीब मजदूर जो गांव में ज़्यादा रहते हैं, आज उनके पैसे हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कहावत है जो एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता खुद कह चुके हैं कि जब हम पैसे भेजते हैं तो 15 ही पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। तो आप देखते कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो 70
साल के आज़ादी के बाद या 65 साल तकरीबन एक अंदाज से पकड़ के चले, जो ये चीज़ हम लोग एविडेंटली नहीं देख पा रहे थे, हम पिछले 7-8 साल से देख पा रहे हैं कि जितना पैसा दिया जा रहा है वो उन तक पहुंच रहा है। और हर तरीके से, जिस शायद किसानों की बात हो या फिर युवकों की बात हो या नवयुवकों को किस तरीके से हम शिक्षा दे के अच्छे रोज़गार दे सके उसकी बात हो, मुझे लगता है ये एविडेंट है। और आज सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जहाँ पिछली सरकार में 5-5 साल के टेन्योर में 6-6, 7-7 लाख करोड़ के घपले होते थे, जुडिशरी उनकी, ब्यूरोक्रेसी उनकी, सरकार उनकी, बावजूद उसके अपने मंत्रियों को जो ना रोक पाते थे जेल जाने से, आज पूरा विपक्ष एक होके एक पैसे का आरोप 8 साल में पूरे के पूरे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तरीके से हो, पर आरोप ना लगा पाए, ये हम हर भारतीयों का विजय, हर भारतीयों का यश है। और यही हमारी सरकार जो हम इतने साल से जिस चीज़ से दूर थे, सही मायनों में आज ऐसी सरकार जो जनहित की सरकार है, जो पूरी तरीके से राष्ट्र की समर्पित सरकार है, वो सरकार आप आज ये समय हम अनुभव कर रहे हैं। क्या पार्टी सिर्फ हिंदुवाद और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है? क्या ये बढ़ावा देना गलत है? देखिए, अपने मूलतः अधिकारों, संस्कारों और संस्कृति का रक्षण करना तो हमारा पहला हक है। क्या आपके और मेरे घर में हमारे माँ पिता जी जो कुछ हमारे संस्कार है, रीति रिवाज है, उसको सिखाते हैं या नहीं है? बचपन से सिखाते हैं। और अगर वो ना सिखाए तो हम, हमारा जो जो एक बेस है वो थोड़ा डगमगा जाएगा। योगी आदित्यनाथ खुल के बोलते हैं कि पहले मैं हिंदू हूँ, फिर उसके बाद एक नेता हूँ, ठीक है। कई सारे नेताओं का इस तरह के बयान विवादित बयान भी बन जाता है, चर्चित बयान भी बन जाता है। जब आप देखते हैं, आप सुनते हैं, तो आपको कैसा लगता है? गर्वित फील होता है कि आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा ये ज़्यादा हो गया? ये देश पिछले 5000 साल से हिंदुओं की संस्कृति में नामांकित है, रिकॉर्ड्स में, यानी विकिपीडिया पे डालेंगे तो आपको 5000 साल का सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से जो है कि वो हिंदू सिविलाइजेशन से यहाँ पे मानी जाती है। अब सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में अगर हम गर्व से ना कहें तो क्या चीज़ से कहें? अगर हम हिंदू हैं तो यहाँ तो 5000 साल से हिंदू रह रहे हैं, दूसरी सिविलाइजेशंस देखने नहीं मिलेंगे आपको अगर आप देखेंगे तो फिर गर्व की तो बात है। और मैं तो मानता हूँ यहाँ का हर व्यक्ति जो रहता है, ठीक है, बहुत सी आक्रमणताएँ आई, बहुत सारे लोगों को परिवर्तन खोना पड़ा, पर हर एक आदमी व्यक्तिगत तौर पर अगर समझा जाए तो मूलतः वो हिंदू ही है, और हिंदू बोलने में गर्व होना चाहिए। सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है, तो आपने कहा कि उस पर तो हमें गर्वित फील करना ही चाहिए। अच्छा, आपके में एक आपसे आखिरी सवाल है कि आपका एजेंडा क्या है अब आने वाले टाइम पे, और अभी फिलहाल आप किस तरीके से आपकी जनता को क्या ऐसा देने वाले हैं, या क्या और चूक रह गई है, या क्या करना बाकी है जो अभी आप करना चाहते हैं? देखिए, सरकार जो है वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। और रही बात जो अगर आप एक संदेश देना चाहते कि कुछ कमी रह गई है, तो हम लोग कहावत सुनते हैं कि रूम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो ये सब चीज़ें एक बहुत तेज गति से मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर पहलुओं पे, हर मापदंड पे, गांव गरीब किसान के कल्याण से लेके तो शहरों के कल्याण तक सब विषयों में पूरी पुरजोर तरीके से, यशस्वी तरीके से काम कर रही है। हमें ऐसी सरकारों के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहना है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हमारा यश है, हमारा विजय है कि हम ऐसी सरकार चुन के ला रहे जो हमारा भला चाहती है, हमारा विकास चाहती है। तो समझदारी रखते हुए आने वाले समय में अगर हम योग्य निर्णय इलेक्शन के समय पे दें, या ऐसी सरकारों को हम लोग चुन के लाए, तो निश्चित तौर पे हमारा ही विकास होगा, हमारा ही जो एजेंडा है डेवलपमेंट के हो, वो सब सेटिस्फाई होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आज हमारे साथ जुड़े। तो ये थे शक्ति ठाकुर, जिन्होंने हमसे बात करी, काफ़ी सारे एजेंडे, काफ़ी सारे पार्टी का जो महत्व है वो हमें समझाया, और क्या आगे के इनके प्लान्स हैं और क्या अभी वो कर रहे हैं वो आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे सिद्धार्थ राजपूत है, मेरा नाम हिमानी भट्ट है। साइनिंग ऑफ TNN वर्ल्ड। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो।